गुड इवनिंग जी, क्या हाल चाल है सभी के। तो आज मैं सिर्फ दो टॉपिक इसमें मैं कवर अप करना चाहता हूँ। वन इज़ वोली एफिड एंड दूसरा जो है वो इथल या इथोफिन जिसको आप बोलते हो, इथल या इथोफिन नाम से आता है जिसको आप कलर स्प्रे में यूज़ करते हो। तो इन दो टॉपिक को मैं इसमें क्लोज करूँगा। बाकी मैं ऑलरेडी एक जो सनबर्न पे वो वीडियो बना चुका हूँ, उसको हम जल्दी अपलोड कर लेंगे। कल भी अपलोड करे थे पर वो हो नहीं पाई थी किसी रीज़नवश। ठीक है, तो वो हम आपको बता देते हैं। तो मैं जो डिस्कशन है वो मैं इसी पे कर रहा था कि एक आपका जो कलर स्प्रे है उसका क्या रोल है, यूज़ है, और दूसरा वूली एफिड। क्योंकि अभी एक्चुअली क्या था, देखो जब जब यहाँ आता मैं ऐसे तो शेड्यूल में होता नहीं है, तो हम इस तरह ध्यान भी सबको रहता नहीं है। लेकिन अभी मैं इसकी बोली समर प्रूनिंग में कर रहा था एक प्लांट की, तो मुझे ऊपर टॉप में मतलब कई जगह मुझे मिला कि वूली एफिड अपटेक हो चुका है। ठीक है, अगर आपके रूट्स में, वैसे तो चलो रूट से ऊपर आपके अब तो बैंड भी आते हैं, आप बैंड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट अब सब जगह पॉसिबिलिटी नहीं है हर चीज़ करने की। तो आपको एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ जो हम कर रहे हैं। देखो मैं इसमें कभी केमिकल यूज़ नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो एक तो आपने एक चीज़ याद रखना है, अगर आप कम से कम इंसेक्ट यूज़ करते हो तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास कोई और मेथड ना हो तब आप ऐसी जगह इंसेक्ट अगर यूज़ करोगे कोई भी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड तो वो ईजिली आप उसको रिकवर कर लेगा। अब हम ईयरली हमारा बना हुआ है कि हम सिर्फ पेटल फॉल पे एक इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं और कोई भी इंसेक्ट पूरी साल हमारी यूज़ नहीं होती है। और वूली एफिड की मैं अपनी प्रैक्टिस में बताता हूँ। देखो वूली एफिड को मारने का आपको पता है कि आजकल का जो मंथ है ना, यहाँ का जून हो गया, मई हो गया, इसमें क्या होता है कि अब इसका टाइम आ चुका है अपटेक होने का। अब आपको ब्रांचेज में मिल जाएगा ऊपर वूली एफिड बेसिक। अब इसका जैसे बारिश भी कंटिन्यू हुई तो जल्दी से क्या हो जाता है, ये अपटेक होना स्टार्ट हो जाता है। आपको कई जगह दिखेगा अपने ऑर्चर्ड में। तो आपने क्या करना, देखो अभी एक बेस्ट तरीका है कि इसको आप जो ऊपर ही क्या करें, इसको आप डिस्ट्रॉय आपने कर लेना है। ठीक है, अभी ये बेस्ट तरीका है, आप वूली एफिड को ऊपर ही, आप जहाँ ये अपटेक आपका हो चुका है इसको आप ऊपर ही जो है वो डिस्ट्रॉय कर लीजिए। देखिए जो अपनी प्रैक्टिस है वूली एफिड की, हम मैं आपको सिंपल वे में आपको बताता हूँ। देखो हर चीज़ के लिए केमिकल ही नहीं होता है, मैं अपनी प्रैक्टिस बताता हूँ। तो हाँ हमने भी किए पहले केमिकल्स किए, पर वूली एफिड पर कंट्रोल पाना इतना आसान नहीं होता है। तो ऊपर इसका सबसे बड़ा तरीका है, जब ऊपर आ चुका है इसको आप ऊपर ख़त्म कर लो। ताकि क्या होता है कि जैसे आपका अब अक्टूबर जब आपका डोरमेंसी में प्लांट जाएगा तो अपने याद रखना है विंटर में आपका वूली एफिड डाउन आ जाएगा, नीचे जड़ों को जाएगा। और जड़ें आपको पता है जब नीचे पहुंचता है वहाँ पे फिर वही गांठे मारने वाला काम शुरू कर देता है, फिर आपको ड्रेंचिंग वगैरह फिर आपको इस पर जाना पड़ेगा। ठीक है, ड्रेंचिंग के लिए तो आपके बहुत सारे हैं, जो भी आपका इंसेक्ट है वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी जो मेन टारगेट है वूली एफिड आपका अगर ऊपर अपटेक हो चुका है, ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात है ऊपर इसको मारना आसान है, इजीली आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। पर जो मेरी प्रैक्टिस है लास्ट, हम जब नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन हम ढाई या तीन साल से हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शेड्यूल में भी हमारा ऑलरेडी है, इसलिए बहुत कम वूली एफिड मिलता है। एक आधे प्लांट में अगर मिल गया तो उसको हम वैसे ही कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए आपने क्या करना है, हर चीज़ पे केमिकल पे जाना भी सही नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्लांट सबका हैबिचुअल हो जाएगा, फिर वो केमिकल ही मांगेगा। तो अगर एक बेस्ट तरीका मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आपका एक बार अपटेक आपका हो चुका है वूली एफिड आपका अपटेक हो चुका है, तो आपने क्या करना है, आपको मैं एक सिंपल सा ये बताता हूँ। आप अगर इस पर इसके लिए तभी है अगर आपने घर में आपके पास गाय रखी है। ठीक है, तो एक नेचुरल तरीका ये कि आपने क्या करना है, जैसे आपके पास गौमूत्र होता है, ठीक है, और दूसरी आपकी लस्सी जो आप यूज़ करते हो लस्सी, ठीक है, तो लस्सी और गौमूत्र, लस्सी कौन सी होती है, सड़ी हुई लस्सी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरे पास देखोगे तो मेरे पास गौमूत्र और लस्सी जो होता है वो पाँच पाँच छः छः महीने का स्टोर पड़ा होता है, कि हम इकट्ठे करते रहते हैं। और वो आपका लस्सी जो होता है ना, मैं इसका रोल आपको बता देता हूँ, वो एक अच्छा एंटीबायोटिक भी है। तो साल में ईयरली में जो हमारा शेड्यूल है मैं वो बता देता हूँ, ईयरली में हमारी तीन स्प्रे होती है। सबसे पहली स्प्रे जो हम करते हैं वो करते हैं आपका दिसंबर में। दिसंबर में हम क्या करते हैं, गौमूत्र 10 लीटर, और दूसरा जो आपका लस्सी होती है उसको हम 5 लीटर रेशियो में करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी स्प्रे होती है वो होती है आपकी सिल्वर टिप पे या आपके ग्रीन टिप के आसपास, उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें हमारा जो गौमूत्र होता है वो हमारा 6 लीटर हो जाता है, 6 से 8 लीटर। और दूसरा जो आपके पास सड़ी हुई लस्सी है उसको हम क्या करते हैं, कम से कम उसको हम 3 या 4 लीटर में उसको हम करते हैं, उस हिसाब से रेशियो उसके मिलाते हैं। सड़ी हुई लस्सी होती है और वो एक अच्छी एंटीबायोटिक, दूसरा आपका जो है वो कैल्शियम का एक मेन सोर्स है। ठीक है, ये चीज़ें जो देखो हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है, बस उसको समझना पड़ता है। देखो ये नहीं है कि हम कोई ऑर्गेनिक वाले हैं, ठीक है, नहीं, हम तो प्योर केमिकल वाले हैं।
बट हर जगह केमिकल ढूंढना भी पॉसिबिलिटी नहीं है, पर कुछ जगह जहाँ पर बिना केमिकल के आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी अच्छी है, बहुत बहुत बेस्ट रिजल्ट है। और हम वुडी या फिर के लिए हमारे पास बेस्ट यही होता है। और जब आपका प्रूफ सेट होता है, थर्ड स्टेज होती है प्रूफ सेट पे, प्रूफ सेट पे क्या करना है आपने, उस टाइम आपकी जो है वो अगर आप 4 लीटर गौमूत्र या 4 से 6 लीटर प्लस आपके पास जो सड़ी हुई लस्सी आप उस टाइम यूज़ करो, एक अच्छा एंटीबायोटिक केमिकल वो बहुत अच्छा आपका इंसेक्टीसाइड भी आपका बनता है। तो आपने याद रखना है जो गौमूत्र है वो आपका एज ए इंसेक्टीसाइड यूज होगा, और आपका जो सड़ी हुई लस्सी है वो आपके पास जो है एक कैल्शियम प्लस दूसरा आपके पास एंटीबायोटिक के रूप में वो काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और हम जो वुली या फिट पे, मैं लास्ट 3 ईयर्स से सिर्फ कोई इंसेक्ट यूज़ नहीं करता, खाली उसकी स्प्रे करता हूँ। और अगर आजकल आपके है तो अगर आपके पास अवेलेबल है ये चीज़, वैसे तो चलो अगर आपके पास थोड़ा बहुत है तो आप सिंपल केमिकल आप कर लेना है, आपका सिंपल एक कॉन्टैक्ट आता है जैसे आपका डर्मिट वगैरह है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डर्मिट भी काम कर लेगा आपका वुली एविल में। बट अगर आपके पास इतनी हैबिचुअल ना डालो इंसेक्टिसाइड करके, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो आपने क्या करना है, आप सिंपल सा जो है वो शेड्यूल जो मैंने आपको बताया, गौमूत्र प्लस आपका जो ये है क्या बोलते हैं लस्सी है, तो उसकी आपने आजकल स्प्रे कर लेनी है, ठीक है। तो आजकल आप उसकी स्प्रे कर लो, गौमूत्र और लस्सी की जो है वो एक स्प्रे आप मार दो, और उसका जो रेशो होगा आजकल वो आपको ज़्यादा नहीं डालना आपने, बस 4-4 लीटर आपने गौमूत्र कर लेना, ठीक है, 4 लीटर के साथ आप 1.5 लीटर या 2.5 लीटर आपने क्या है लस्सी उसके साथ मिक्स कर देना, ठीक है, 4 से 5 आप कर सकते हो, 4 से 5 लीटर आप गौमूत्र कर लो, बाकी आप उसमें 2.5 या 3 लीटर आप सड़ी हुई लस्सी आपने यूज़ कर लेना है। सड़ी हुई लस्सी का मतलब है कि काफ़ी पुरानी लस्सी आपके पास है। तो बस ये चीज़ें थोड़ी सी मैं ये तो रहा था कि वुली एफिड का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट आपको एकदम से मिलता है, देखो स्टेप वाइज करना होता है, ठीक है, तो आपको रिजल्ट आपके अच्छे ही मिलते हैं। तो ये हुआ वुली एफिड का पार्ट, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, कल कवर हो गया, बाकी आप इसमें इंसेक्टिसाइड यूज़ करना क्योंकि वो एक इंसेक्ट होता है, ठीक है। जब आप उसको पाउडर को कभी आप टच करोगे, मान लो जैसे यहाँ वुली एफिड, तो उसको आप अगर टच करते हो किसी जहाँ पर आपका वुली एफिड होगा, मेरे तो खैर एक प्लांट में मुझे दिखा था थोड़ा सा अभी, तो जहाँ भी आप उसको क्या करोगे, आप टच करोगे वुली एफिड को, तो आपने क्या करना है वहाँ पे, आपने एक अंदर से क्या होता है वो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो कीड़ा होता है, एक इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो उसको मारने का वो ये कि आप इंसेक्टिसाइड यूज़ करो। चलिए नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है इथर, हम करते हैं हम कलर स्प्रे की बात। देखो मैक्सिमम क्या होता है कि कलर स्प्रे यूज़ करते हैं कलर के लिए, पर मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास भले ही कलर पूरा आता है, हमारे पास नेचुरली पूरा कलर आता है क्योंकि वैराइटीज पे डिपेंड होता है, अब आपके पास अच्छी वैराइटी लगे तो नेचुरली कलर फुल आता है, अब स्कालर में जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कुछ कहते कि अब स्कालर है तभी क्यों करना, देखो क्या होता है, अब पोटाश की बात आ रही थी कि पोटाश क्यों यूज़ करना है जब स्कालर में फुल कलर आता है। देखो कभी आपने इन स्कालर्स पर मैं ध्यान देना, जहाँ भी आपकी लीफ होगी लीफ के नीचे आपका हमेशा हरा होता है, ध्यान रखना सेम। स्कालर 2 में ये मेन प्रॉब्लम होती है कि जहाँ भी लीफ के नीचे आपका फ्रूट होगा उसके नीचे हमेशा क्या होता है ग्रीन होता है। उससे बढ़िया है अगर आप पोटाश की मात्रा आप थोड़ी थोड़ी करके आप यूज़ करेंगे, उससे डबल फायदे होते हैं, एक तो आपका जो बड है, ठीक है, फ्रूट देने के बाद क्या हो जाएगा, ये तो आपने तोड़ देना है, लेकिन उसके बाद यह होगा इसमें न्यूट, उसके लिए क्या होगा बड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी, नेक्स्ट ईयर के लिए भी स्ट्रॉन्ग आपको बनाएगा पोटाश। तो पोटाशियम नाइट्रेट का बहुत मेन रोल है, मैं तभी कह रहा हूँ, आप ये नहीं सोचो कि हमने कलर के लिए पर्पज से करना है, नहीं, आपने ये सोचना कि हमने बड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमने पोटाश करना है। दूसरा जैसे यहाँ पर लीफ के नीचे रहेगा तो आपका यहाँ भी यह है वो आपका पूरा कलर आपका नेचुरली आ जाएगा जब आप पोटाश वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात ये स्कालट में भी, अब ऐसी इथल की बात है, मैं आपको खुद बोलता हूँ कि हाँ मैं इथल को जो मैं हूँ वो 4 या 4.5 साल मुझे हो गया है जब से हम इथल को प्रैक्टिस में ला रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस किस पर्पज़ से लाते हैं आपको नॉलेज होनी चाहिए, हम कलर के पर्पज़ से नहीं करते हैं। मैं हमेशा इथल को जो वो करता हूँ साइज़ और दूसरा बड फॉर्मेशन के लिए, मान लो कोई, अब तो खैर बड फॉर्मेशन की जरूरत होती नहीं है, ठीक है, अब तो टेक्निक्स आ गई है, लेकिन कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ आपका बड फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा हो, ठीक है, हो चाहे कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो आपका बड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपने कभी ना आफ्टर हार्वेस्ट आपने वहाँ पर इथल की स्प्रे कर लेना, सिंगल इथल करना है, वहाँ कोई प्लानोफिक्स या कुछ उसमें ऐसा कुछ मत डालना, सिंगल इथल की स्प्रे करना, देखना आपके पास जो बड फॉर्मेशन है वो आपका ज़बरदस्त आपका बड फॉर्मेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई इथल की पहली स्टेज की, और दूसरा होता है साइज डेवलपमेंट के लिए कैसे। देखो कभी आपने क्या है हार्वेस्ट के 10 दिन पहले सिंगल इथल का आपने हार्वेस्ट के 10 दिन पहले क्या करना है, हमें इथल की जो है आपने एक स्प्रे यूज़ कर लेना, ठीक है। हार्वेस्ट के 10 दिन पहले आपने क्या करना है इथल की एक, देखो नॉर्मली जितना प्रिस्क्राइब डोज होता है उससे कम डोज करना है, उतना प्रिस्क्राइब मत करना, ठीक है, मतलब ये को 200-250 ml आप अगर 200 लीटर में आप यूज़ करते हो तो उसको नॉर्मली आपने क्या है 10 दिन पहले आपने क्या करना है यूज़ करना है,
ठीक है, हार्वेस्ट के 10 दिन पहले आपने क्या करना है, उसको यूज़ करना है सिंगल इथल, उसमें कुछ मिक्सिंग मत करना, प्लानोफिक्स बिल्कुल मत करना है, ठीक है। आपको मैं बता दूँ, जो इथल और प्लानोफिक्स होते हैं दोनों एक क्या है, आपके पी जी आज है, ठीक है, बोथ आर द पी जी आज, तो ये दोनों क्या है, आपके पी जी आज है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इनका जो मेन यूज़ होता है वो तो यहाँ नहीं होता वैसे, बर्ड फॉर्मेशन और दूसरा काय के लिए होता है, आपका साइज डेवलपमेंट के लिए। तो आपने इन दोनों को जो आपने जब यूज़ करोगे आप, तो आपने ध्यान रखना है कि सिंगल करना है, प्लानोफिक्स उसमें आपने ऐड नहीं करना है, ठीक है। और मेनली आपको मैं बता दूँ, आपने देखा हो ना, हम तो क्यों करते हैं, प्लानोफिक्स का काम होता है कि आपको राइप करना, पकाना, सेब को जल्दी से पकाता है प्लानोफिक्स। दूसरी बात होती है, प्लानोफिक्स आपने देखा हो ना, वो एक पीजीआर क्यों है, देखो प्लानोफिक्स क्या होता है कि मैक्सिमम जगह क्या होता है कि प्लानोफिक्स को जो यूज़ किया जाता है वो क्या आता है, थिनिंग पर्पज से। थिनिंग में आप प्लानोफिक्स यूज़ कर दो सिंगल, तो वो आपके वो ड्रॉप कर देगा। तो ये बात हुई इथल की, ठीक है जी। तो इथल की बात होगी, अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, एक इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूँगा। मैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस बताता हूँ कि मैंने देखा है इसके रिजल्ट। आपका क्या होता है कि अगर आप हार्वेस्ट के 10 दिन पहले आप इथल को जो थोड़ा कम यूज़ करना है, उतना नहीं करना जितना प्रिस्क्राइब होता है, मान लो 500 ml आपके पास प्रिस्क्राइब है, तो उसका थोड़ा हमने 250 तक हमने ले आना उसको, ठीक है। तो आपने उतना ही उसका हाफ कर लेना, मतलब सिंगल करना है, उससे कलर डेवलपमेंट में तो चलो आपकी होगी हेल्प, नहीं होगी वो तो अलग इशू है, बट आपका साइज़ जो होता है ना वो मतलब आपका इंच भर, हाफ इंच तो कम से कम वो डेवलप करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हार्वेस्ट से पहले आपने दो काम देखो क्या होता है, कि एक तो चलो हम बात करेंगे बाद में कि आप एक तो थिनिंग करके आप फ्रूट निकालते हैं, पीछे जो आपका मटेरियल बचता है उसमें साइज डेवलपमेंट के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो होता है कि आप उसमें हल्की सी आप इथल मार दो, तो आपके वो साइज़ में भी डेवलपमेंट करेगा। तो ये सब बोलने की बात है कि आपका जो इथल होता है वो कुछ साइड इफेक्ट्स डालता है, आपने सुना होगा लास्ट ईयर आया था कि इथल पे बैन हो रहा है, ये हो रहा है, सो हो रहा है। देखो ये हो सकता है हमारी कंट्री में बैन हो जाए, पर अब बाहर की कंट्रीज़ में आप देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का उस पर्पज़ में यूज़ किया जाता है जहाँ पर ये यूज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें कोई हार्मफुल नहीं होती है, बस इनको तरीका आना चाहिए करने का। देखो हार्मफुल तो आप हर चीज़ है, हार्मफुल तो आप गौमूत्र भी अगर उसको आप प्योर ही आप कभी स्प्रे करके देख लो तो वो भी तो हार्मफुल है, जब आप उसकी एक्स्ट्रा डोज डालोगे तो हार्मफुल तो हर चीज़ है, तो वो सब कहने की बात है। बट अगर आप प्रैक्टिकली कुछ करो, सिस्टम से करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल होती है। तो ये बताया मैंने थोड़ा सा आपको इथल के बारे में, चलिए बाकी तो अब नेक्स्ट बात करेंगे अब कुछ भी। अगर अभी चलो प्रूनिंग के थोड़ा सा है, मैं अभी नेक्स्ट शो क्लिप डालूँगा, वो हम एक रॉयल प्लांट को पकड़ के हम जो है वो समर प्रून उसमें करेंगे कि कितनी ब्रांच तक आप उसमें लॉक कर सकते हो, तो उसकी हम कल या परसों हम उसकी अपलोड कर लेंगे। थैंक यू।